हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं डुअल मोड लोकोमोटिव को लेकर के। दोस्तों भारतीय रेलवे का इकलौता ऐसा लोकोमोटिव है जो इलेक्ट्रिसिटी पे भी चल सकता है और डीजल पे भी चल सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक अनोखा लोकोमोटिव है। तो दोस्तों ये डुअल मोड लोकोमोटिव है जो कि इलेक्ट्रिक पे, अगर बिजली पे चलाया जाए तो 4,500 हॉर्स पावर की कैपेसिटी पे चल सकता है, और अगर डीजल पे चलाया जाए तो 5,500 हॉर्स पावर की कैपेसिटी पे। दोस्तों इसको बनाने का रीज़न क्या था? रीज़न बेसिक सा था कि रेलवे चाहता था कि लोको चेंज करने में जो टाइम जाता है, जब भी ट्रैक्शन चेंज होता है, मान लीजिए कोई ऐसा रास्ता है जहाँ पे इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक ख़त्म हो गए, डीजल टेरिटरी शुरू होती है, तो एक टाइम जाता है 15 से 20 मिनट का लोकोमोटिव को चेंज करने में, तो वो जो है बचाया जा सके, इसके लिए रेलवे ने ये सब चीज़ें करी। नाउ मैं आपसे थोड़ा सा जो है इसके बारे में आपको दिखा करके समझाना चाहूँगा इस ड्राइंग के थ्रू, जो कि है RDSO की ड्राइंग्स। तो भाई क्या किया है, देखिए दोस्तों, एक नॉर्मल जो एक EMD लोकोमोटिव होता है, सबसे पहले तो उसी एक नॉर्मल EMD लोकोमोटिव को यहाँ पे लिया गया है। कुछ उसके अंदर चीज़ें चेंज करी गई हैं, और उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे मैं ये एरो बना रहा हूँ, यहाँ पर एक पेंटोग्राफ को लगा दिया गया है जो कि ओवरहेड वायर से इलेक्ट्रिसिटी लेगा और ट्रैक्शन मोटर को सप्लाई करेगा। अगर आप ध्यान से कुछ यहाँ पे नोटिस करें तो आपको दोस्तों एक चीज़ नज़र आएगी कि एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे जो है इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ इस लोकोमोटिव के अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए पेंटोग्राफ भी दिख जाएगा और डीजल का हिसाब किताब भी दिख जाएगा, ऑयल के लिए फ्यूल टैंक वगैरह भी जो है, देखिए फ्यूल टैंक वगैरह भी जो है आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही चीज़ों पर चल सकता है ना। वो मुद्दे की बात पर आते हैं, क्यों रेलवे ने ऐसा किया और ऐसे लोकोमोटिव को बनाने की ज़रूरत ही क्या पड़ी। देखिए मैं मानता हूँ कि भारतीय रेलवे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर आगे बढ़ रहा है, और वो एक चाह रहा है कि आने वाले वक्त में सारे लोकोमोटिव जो हैं बिजली वाले ही रहें, बिजली से ही चलें। बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो अपने एक एक इंच बाय इंच किलोमीटर को जो इलेक्ट्रिफाइड कर दे। स्टिल रेलवे ये कहेगा कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हमने अचीव कर लिया, बट कुछ रूट्स जो हैं अनइलेक्ट्रिफाइड रहेंगे, तो उन रूट्स पे ये लोकोमोटिव जो है काम में आ सकेंगे। कि अगर मान लीजिए 20-30 किलो, एक पूरी ट्रेन का जो डिस्टेंस है उसमें सिर्फ 15-20 किलोमीटर का ऐसा रास्ता है जहाँ पे जो है इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो सकता है कुछ कारणवश, तो वहाँ पे ऐसे लोकोमोटिव को यूज़ किया जाएगा। वही लोकोमोटिव अपने ट्रैक्शन को जो है स्विच करे और डीजल से इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक से डीजल में खुद को बदल लेगा। ये लोकोमोटिव दोस्तों फ्यूचर का लोकोमोटिव है। मैंने ऐसा क्यों कहा ये फ्यूचर का लोकोमोटिव है, क्योंकि एक जो सवाल है ना कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद जो डीजल लोकोमोटिव हैं उनका क्या होगा, या जो EMD लोकोमोटिव हैं उनका क्या होगा, तो उसका जवाब भी दोस्तों ये लोकोमोटिव ही है कि हाँ ये होगा उन लोकोमोटिव के साथ में, एक बार जब इलेक्ट्रिफिकेशन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हम लोग जो हैं अचीव कर लेंगे, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। इसके अंदर एडवांसमेंट क्या हुआ है, क्या इसके अंदर लेटेस्ट अपडेट है, वीडियो बनाने का कारण क्या है? वीडियो बनाने का कारण है कि दोस्तों इस लोकोमोटिव के ट्रायल्स हुए हैं अभी। वैसे तो DLW ने इस लोकोमोटिव को बनाया था, जिसका नाम चेंज करके BLW कर दिया है। इसके 150 km/h पे ट्रायल लिए गए हैं कोटा से नगदा के बीच में, 150 km/h की रफ्तार से। दिस इज़ द रीज़न कि मैं आपको कह रहा था कि ये फ्यूचर का लोकोमोटिव है। तो अभी तो खैर इसके ऑक्सीलेशन ट्रायल जो है ख़त्म हुए हैं, अब आने वाले वक्त में हमें ये पता लगेगा कि ये कब तक पैसेंजर क्लास के अंदर आना जो है शुरू होता है। Green, on green. I like it, I'll be here.
फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुभम कुमार साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, थैंक यू, थैंक्स वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।